गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर SST क्लास. टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 ऑफ अवर ज्योग्राफी बुक. द नेम ऑफ द चैप्टर इज इनसाइड अवर अर्थ. हम इस चैप्टर में हमारी अर्थ के इनसाइड क्या होता है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, उनके बारे में रीड आउट करेंगे. द अर्थ अवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट. इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. वट इज़ अर्थ मेड अप. हमारा जो अर्थ है, हमारा होमलैंड एक डायनेमिक प्लैनेट है. डायनेमिक का मतलब स्टेटिक नहीं रहता, रुका हुआ नहीं रहता. इसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस अंदर बाहर होते रहते हैं. आपको पता है, कभी आपने सोचा है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, अर्थ किस चीज़ से बना हुआ है? सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर है क्या? जस्ट लाइक एन अनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड क्रस्ट. लेकिन एक अनियन होता है, उसको हम प्याज बोलते हैं. उसके अंदर भी आपने देखा होगा एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, फोर लेयर, से काफ़ी लेयर्स होती हैं उसके अंदर. सिमिलरली हमारे अर्थ पे भी काफ़ी सारी लेयर्स हैं. कॉन्सेंट्रिक लेयर्स का मतलब है कि सबका सेंटर सेम है, ठीक है? तो हम सबसे ऊपर वाली लेयर पे रहते हैं, जिसको कि क्रस्ट बोलते हैं. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. ये सबसे सभी लेयर्स में से सबसे पतली लेयर है. ये 35 किलोमीटर तो है कंटिनेंटल मासेस पे, मतलब कंटिनेंट्स पे, लैंड पे 35 किलोमीटर तक थिन है, और ओशियन फ्लोर पे 5 किलोमीटर तक थिन है. द मेन मिनरल्स कंसिस्टेंट्स ऑफ द कंटिनेंटल मासेस आर सिलिकन एलुमिना. तो जो मेन मिनरल्स हमें कंटिनेंटल मासेस में मिलते हैं, सिलिका एंड एलुमिना. इट इज़ दस कॉल्ड सियाल. इसको सिलिका और एल्युमिनियम को कॉम्बिनेशन से सियाल बोला जाता है. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. और जो ओशियन क्रस्ट है, जो ओशियन वाली क्रस्ट है, उसके अंदर मेनली सिलिका और मैग्नीशियम बोले, इसलिए इसको सीमा बोला जाता है. जस्ट बिनीथ द क्रस्ट इट इज़ द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर. तो जो कि एक क्रस्ट के बाद जो सेकंड लेयर है, एक डायग्राम में देखो मेंटल लेयर है, जो कि 29 किलोमीटर जिसकी डेप्थ है, जिसकी मतलब गहराई 2900 किलोमीटर है बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट से 2900 किलोमीटर नीचे ये मेंटल लेयर है, ठीक है? अब यहाँ पर बेटा एक डीडी न्यू पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है कि साउथ अफ्रीका में सबसे डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की, मतलब सबसे गहरी, जो कि 4 किलोमीटर पर है. और इसको फाइंड आउट करने के लिए 6 किलोमीटर तक डिग करना पड़ता है. और अगर हम अर्थ के सेंटर में जाना चाहते हैं तो वो पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर हम जाना भी चाहे कोई भी, तो उसको 6000 किलोमीटर तक डिग करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद हम थर्ड लेयर के पे आते हैं. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ इज द कोर विच इज़ द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इट्स कॉल्ड द नाइफे. द निकल और आयरन को नफेरस बोलते हैं, इसलिए इसको निफे बोलते हैं. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है, उस लेयर का नाम है कोर. इसकी रेडियस है 3500 किलोमीटर. इसके अंदर मेनली निकल और आयरन प्रेजेंट होते हैं, और ये लेयर जो है, इसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है. अब रॉक्स एंड मिनरल्स, जो अर्थ के ऊपर रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, या अर्थ के अंदर जो रॉक्स एंड मिनरल्स हमें मिलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक. अर्थ की जो क्रस्ट है जिसमें हम रहते हैं, उसमें अलग अलग तरह के रॉक्स प्रेजेंट हैं. एनी नेचुरल मासेज ऑफ मिनरल्स मैटर दैट कैन मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज़ कॉल्ड अ रॉक. कोई भी अच्छा ऐसा नेचुरल मास या मिनरल्स जो कि अर्थ का क्रस्ट ना, तो उसको रॉक बोलते हैं. रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्स्चर. रॉक अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उनका टेक्स्चर अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकते हैं. तो देर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ रॉक्स हैं, इजीनियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये बेटा आपने क्लास 5th में भी या आई थिंक 6th में भी पढ़ा होगा, ये तीन टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं. वैन दब ये इनका नेम अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये सभी अलग अलग तरह से बनते हैं. सबसे पहले इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक का जो नेम है, इग्नाइट वर्ड से बना. इग्नाइट तो जो होती है फायर से रिलेटेड होती है. तो वैन द मोल्टन मैग्मा कूल्स. जब जो मोल्टन मैग्मा है, मैग्मा होता है जब वोल्केनो में से जो निकलता है ना लावा, उसको मैग्मा बोलते हैं. जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है. एंड द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक. देयर ऑल्सो नोन प्राइमरी रॉक्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, इंस्ट्रक्टिव रॉक एंड एक्सट्रक्टिव रॉक. तो जब वो मोल्टन मैग्मा होता है, जब वो ठंडा हो जाता है, तो वो रॉक बन जाता है. उस रॉक को इग्नियस रॉक बोलते हैं. इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं. और ये दो तरह के होते हैं, इंस्ट्रक्टिव और इंट्रस्टिव और एक्सटेंसिव. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस का? आपने कभी सोचा है लावा जो आता है वोल्केनो से बाहर? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. लावा एक्चुअली में होता है मैग्मा जो मोल्ट हो जाता है
वही आता है अर्थ के इंटीरियर से। सो व्हेन दिस मोल्ट मैटर कम ऑन द अर्थ सर्फेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। सॉलिड फॉर्म इन सच ए वे ऑन द अर्थ क्रस्ट सर्कल एक्सट्रस्टिव इजनियस रॉक्स। तो जो अर्थ के सर्फेस के ऊपर जब आता है तो ठंडा हो जाता है, जब बाहर आके जब रॉक बनाता है तो उसको एक्सट्रसिव इजनियस रॉक्स बोलते हैं। दे वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होती है उनकी। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डीप इन साइड द अर्थ क्रस्ट। सच रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रस्टिव रॉक्स। जो अंदर ही कई बार कूल डाउन होकर रॉक्स बन जाते हैं उसको इंट्रस्टिव बोलते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म अ लार्ज ग्रेन्स। तो ये बहुत धीरे धीरे ठंडे होते हैं, इनसे बहुत सारे बड़े बड़े ग्रेन्स बन जाते हैं। ग्रेनाइट इसका एक एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स आर यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स मेड अप ऑफ ग्राइंड। ये इसको पेस्ट बनाने के काम आते हैं, पाउडर का स्पाइसेस बनाने के लिए जो ग्राइंडिंग स्टोन्स मतलब पीसने के जो काम आते हैं वो ग्रेनाइट से बनते हैं। रॉक्स रोल डाउन क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाई विंड वाटर एक्सेट्रा। दे लूज सेडिमेंट्स एंड कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री का मतलब होता है बेटा, देखो जब रॉक्स आपस में भिड़ते हैं, टूटते हैं, इनमें क्रैक्स बन जाते हैं, तो ये स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड टूट जाते हैं, उन पार्ट्स को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। पर जब ये सेडिमेंट्स आपस में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं फिर ये दोबारा से कंप्रेस हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। तो जब सबसे नीचे वाली लेयर होती है, सबसे नीचे दब जाती है, वो पत्थर बननी शुरू हो जाती है। और इस तरह से जो रॉक्स बनते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। ठीक है, दिस रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट। इस रॉक्स के अंदर प्लांट्स के फॉसिल्स भी होते हैं। फॉसिल्स होते हैं रिमेंस, मतलब जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं उनके जो रिमेंस बचते हैं, ये एनिमल्स के फॉसिल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उनके ऊपर रहते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इंटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इंटू स्लेट और लाइमस्टोन इंटू मार्बल। तो जो थर्ड टाइप ऑफ रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक, वो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है जब इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो हमारे घरों को घर रोड बनाने के काम आते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। गेम्स के अंदर हम स्टोन्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेवन स्टोन जैसे पिट्ठू होता है, होप स्टोक या स्टैपू या जिसको किट भी बोलते हैं, फाइव स्टोन गिट्टी बोलते हैं। तो ये काफ़ी यूजेज हैं स्टोन्स के। सो फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो कि और कौन कौन से गेम्स है जो वो रॉक्स का यूज़ करके खेल सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइकुलर मैनर। अभी बात को सुन के बहुत हैरान हो गए कि जब एक रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट होता है तो एक साइक्लिक मैनर में होता है। साइक्लिक मैनर का मतलब है कि ये घूम फिर के वही चीज़ दोबारा बनती है इसमें। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। तो जब एक से दूसरा रॉक बनता है फिर उससे तीसरा बनता है, उससे दोबारा फिर पहला रॉक बन जाता है, इस पूरे साइकिल को रॉक साइकिल बोलते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स। हम आपने पढ़ा होगा कि जब मोल्टन मैग्मा कूल होता है ये सॉलिडिफाइड बन जाता है इजीनियस रॉक बनाने में। दीज इजीनियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। जब ये रॉक पत्थर टूट जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, तो फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। जब इजीनियस और सेडिमेंट्री रॉक्स कोई चीज़ में चेंजेस आ जाता है हीट और प्रेशर के कारण, तो मेटामॉर्फिक बन जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा एंड इज मोल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड इनटू इजीनियस रॉक्स। तो फिर जब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं जिनमें प्रेशर और टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाता है, तो फिर ये मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है और मोल्टन मैग्मा फिर फर्दर इजीनियस रॉक बनाता है। तो ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। इस डायग्राम में भी आप देख के इसको समझ सकते हो। सो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो रॉक्स किससे बने होते हैं? मिनरल्स से। मिनरल्स आर द नेचुरल इलेक्ट्रिक सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जो अर्थ के ऊपर में नेचुरली मिल जाते हैं, जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। ये ह्यूमन के लिए बहुत जरूरी हैं। सम आर यूज एज फ्यूल्स। कुछ जो मिनरल्स हैं वो फ्यूल एज ए फ्यूल यूज होते हैं, लाइक कोयल, पेट्रोलियम। फॉर एग्जाम्पल कोयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। देर ऑल्सो फाउंड इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं, लाइक आयरन इंडस्ट्रीज में यूज होता है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। इन मेडिसिन या फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होती हैं। सो क्लास, थैंक यू सो मच। यू नाउ योर चैप्टर इज ओवर। क्वेश्चन आंसर्स विल बी सेंड टू यू। यू हैव टू डू देम इन योर नोटबुक।